A man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meters high. A man in a boat. एक बोट में आदमी बैठा है. Rowing away from a lighthouse. एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाई. ठीक है, लाइट हाउस ऐसा बना दो, ये ले लो सर, ये लाइट हाउस है. ठीक है, 100 मीटर हाई. इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर. ऐसे करके डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा, समझ लेना इस बात को. डायग्राम तुमको बनाना होगा और सोच सोच के डंग डंग इजी इजी धीरे 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 करके डायग्राम बनाओ. मैं बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, थोड़ा ना मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम चिपका दिया कि ये डायग्राम हो गया. नहीं, मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस. रोइंग अवे, ये बोट है. ठीक है, और इस पे जो है एक आदमी खड़ा है. ठीक है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे. रोइंग का मतलब रोना कभी भी नहीं है, रोइंग का मतलब है दूर जा रहा है वो. रोइंग अवे, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई साहब. ठीक है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई. टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बोलो. यहां से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं तो क्या होगा, कुछ होगा यहां पर. द चेंज टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री. मतलब पहले आदमी यहां था है ना, और बाद में आदमी समझो बोट लेके यहां पर पहुंच गया. बाद में जो है बोट समझो यहां पर पहुंच गई. ठीक है, ये वही आदमी है. ठीक है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, नया एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. अब तुम खुद सोच के बताओ मुझे, तुम मुझे खुद सोच के बताओ बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है. यहां से पहले ये एंगल था फिर ये एंगल हो गया, कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है, यही वाला एंगल बड़ा है. टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज. ठीक है, ये है बात. खुद आपको दिख भी रहा होगा कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकलेगा, ये बोट का इनिशियल पॉइंट था क्या, आई. ये बोट का फाइनल पॉइंट है क्या, एफ. ठीक है, तो मुझे बताओ आई और एफ के बीच का अगर डिस्टेंस मिल जाए, अगर आई और एफ के बीच का डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी क्या, बोलो. अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए, काश भगवान, इसको मैंने एक्स मान लिया, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं इस सवाल से निपट सकता हूं, क्या क्या मैं डील कर सकता हूं क्या. यस सर, मैं डील कर लूंगा. ठीक है, सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. क्यों कह रहा है, टाइम दे रखा है यहां पे, इसका टाइम कितना है यहां से यहां तक आने के लिए, बोलो. यहां से यहां तक के लिए टाइम गिवन है 2 मिनट्स. 2 मिनट्स बस, सवाल खत्म, सवाल खत्म. ये ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल है मेरे पास, इसको नामकरण कर दो, इनका नामकरण करना जरूरी है. ए हो गया, ये पॉइंट आई है, ये पॉइंट को बी ले लिया और ये एफ है. ठीक है, सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पहले ले लो आप ये ट्राइंगल, इसको मान लो वाई, इसको मान लिया हमने वाई. ठीक है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आप आई बी भी लिख सकते हो उसको. ठीक है, इन ट्राइंगल ए आई बी, इन ट्राइंगल ए आई बी I will write what tan 60 degrees equals to this upon this. मतलब tan 60 degrees equals to 100 upon y, 100 upon y. और tan 60 कितना होता है, √3. मतलब y कितना आ गया, 100 upon √3. ठीक है, y आ गया मेरे पास 100 upon √3. इतना क्लियर है. ठीक है सर, अच्छा और गणना चाहो उसको ढंग से तो ऐसे कर सकते, चलो छोड़ दो यहाँ पे 100 by √3. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए एफ बी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए एफ बी. हाँ सर, इन ट्राइंगल ए एफ बी बोलेंगे ध्यान से, ए एफ बी. ट्राइंगल ए एफ बी के अंदर मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा ना, 100 अपॉन एक्स प्लस वाई. और tan 45 कितना होता है, 1 होता है. मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई मेरे पास 100 हो गया. ठीक है, सो बाकी पार्ट हम यहां कर लेते हैं. So, मेरे पास सर हो गया एक्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 100 by √3 इक्वल टू 100 आ गया. ठीक है, एक्स आ जाएगा मेरे पास कितना, 100 माइनस 100 by √3. समझ में आया होगा. ठीक है,
इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 100√3 − 100/√3। मतलब अगर 100 कॉमन ले लिया तो √3 − 1/√3, ये मिल गया मेरे को x। ठीक है, x मिल गया, मतलब कैसे किया समझ में आया ना, 100 कॉमन ले लिया तो √3 − 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो अब मेरे को x मिल गया, मतलब दिस इज व्हाट, √3 − 1 मीटर होगा, ये मीटर में आ गया। सो 100, तो ये डिवाइड बाय 1000 कर दो उसको, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू 100√3 − 1/√3, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर हो गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब ये आ गया √3 − 1/10√3 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया एक्स, और टाइम गिवन है मेरे को 2 मिनट, 2 मिनट मतलब इसको चेंज करेंगे अपन तो 2/60 आवर्स हो जाएगा, है ना, मतलब 1/30 आवर्स हो गया टाइम। ठीक है, इतना पार्ट यहाँ रहने दो, तो 1/30 आवर्स मिल गया। अब मेरा काम क्या है, अब मेरे को मिल गया सिंपली क्या, तो मैं कर दूंगा भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना है, √3 − 1/10√3 और होल अपॉन ये 1/30, दैट कम्स आउट टू बी √3 − 1/10√3 × 30/1, 0 से कैंसिल, मतलब ये आ गया 3 × यहां लिख देते हैं, ये आ गया मेरे पास कितना, 3 √3 − 1/√3। ठीक है, 3 × √3, हाँ, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 / √3 से रेशनलाइज करने के लिए। ठीक है सर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस कम्स आउट टू बी 3√3 ब्रैकेट में √3 − 1 होल अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या, 3√3, हाँ ठीक है, 3 3 कैंसिल, और ये आ गया मेरे पास √3 × √3 − 1, मतलब ये हो गया √3 × √3 3 − √3, सिंपल, मतलब 3 − 1.732, दैट मींस 1.732 को अगर आप 3 में से माइनस करोगे, 3.000 में से 1.732 गया, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 2, 1.268, राउंड ऑफ तो 1.27, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.27 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड इक्वल्स टू 1.27 किलोमीटर्स पर आवर, एंड दिस इज माय अमेजिंग सा आंसर, है ना, 1.27। 24th का आंसर चेक करेंगे, 24th का आंसर चेक करेंगे हम, ओके 1.269 लिख रहा है, ठीक है 1.27 है, नॉट टू वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी छोड़ सकते हो, इसका आंसर आप 1.268 भी लिख सकते हो, है ना, 1.268 किलोमीटर्स पर आवर। Why? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस तक भी छोड़ सकते हो, मोर प्रेसाइज इज 1.27। ठीक है, किस किस को चमका, किस किस को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये कुछ टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस में, एंड यस यू रियली हैव टू वर्क डैम हार्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट वाज इट बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओवर, रेशियोज हम कर चुके, आइडेंटिटीज हमने कवर कर लिया, एंड दिस वाज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से हमने बिगेस्ट मैराथन सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया, पहला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी कवर कर चुके थे, क्वाड्रेटिक के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए वो हम करेंगे मिड ऑफ द सेशन करेंगे, जैसे थोड़ा सेशन इंटरेस्टिंग होता जाए। ठीक है सर, आप क्वेश्चन कहाँ से लाते हो, दैट इज वो सरप्राइज है ना, वो नहीं बता सकता मैं आपको। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा लगा, अंदर से कुछ पॉजिटिव वाइब मिल रही है, तो फटाफट से सेशन को शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज का मेरा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है बच्चों, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आपने देखा होगा आज मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन है ना, एकदम लग रहा होगा सर एकदम कैसे, एकदम डाउन कैसे एकदम, हाँ लग तो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो बस रीजन बीइंग कि आज आई एम रियली टू टायर्ड, संडे भी था, बट नॉट टू वरी, हमने फिर भी एक क्लास आपकी आज ले ली, और ट्रिग्नोमेट्री को तो आज हमने कवर अप कर ही लिया, खत्म कर ही लिया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे, दिस इज जयप्रकाश हनवानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ, एंड कल हम मिलेंगे रात को 8 बजे, और कल रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे मैथोलिक्स लाइव क्लासेस होता है, डेली 8 PM इन द नाइट, एंड यस वी विल बी स्टार्टिंग वी विल बी स्टार्टिंग दैट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, राइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको, क्वेश्चंस मैंने आज जो जो करवाए वो आपका काम बनता है, ट्राई करना, गिव अ गुड ट्राई टू इट, एंड विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू एनर्जी। तब तक के लिए आई गेस आई मस्ट टेक द लीव नाउ, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।